आप में से कई लोगों ने कमेंट किए हैं अभी, अच्छे कमेंट किए हैं, लेकिन ये देखो हम दोबारा उन्हीं, जब तीसरी उन बार, दादा दादी से मिले थे हम लोग, तीसरी बार और जब दूसरी बार उनको कपड़े देने के लिए आए थे, उस टाइम पे उनके साथ हमने कुछ बच्चों को देखा था, छोटे छोटे, और जो इस सर्दी के अंदर बिल्कुल नंगे पांव, नंगे, जिनके तन के ऊपर कोई कपड़ा नहीं हो, इस हाल में थे। तो आज हम वापस उनको ढूंढते ढूंढते इस गन्ने के खेत में आए हैं। वो लोग पहले उनके जहाँ पे हमने दादा दादी को कपड़े दिए थे वहाँ गए थे, वहाँ पे अभी हम जाके आए हैं, तो वो लोग बोल रहे थे, बोले यहाँ नहीं है, वो सब काम करने गए हैं, बच्चों को साथ में लेके गए हैं। तो अभी हम यहाँ उनसे एड्रेस लिया, एड्रेस लेने के बाद हम ये इस गन्ने के खेत में आए हैं जहाँ पे गन्ने की कटाई चल रही है। ये लोग गन्ने की कटाई करते हैं और इनके बच्चे इनके साथ ही रहते हैं। तो हम उन बच्चों के लिए कुछ सर्दी के कपड़े लेके आए हैं, स्वेटर वगैरह, कोई पैंट, ऊपर के टॉप। जो अपने घर पे है। और हम, आप लोग सोच रहे होंगे कि आप बहुत बड़े आदमी होंगे, बहुत पैसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक आम मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, ना हमारे पास पैसा है, लेकिन सब अपनी अपनी सोच होती है। हमारे पास 1 रुपया होगा तो हम उसमें से 10 पैसा या 20 पैसा दूसरों, ऐसे जैसे गरीब आदमी होते हैं, गौशाला है, उनके लिए काम में लगा देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि पैसे वाला ही ये सब कर सकता है। यह वीडियो उन लोगों को जरूर देखना चाहिए जिन लोगों ने बोला था हमारे बारे में कि दादा दादी को आपने यूज करके छोड़ दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है भैया, दादी बनाने के बाद दादा कैसे लग रहे हैं? मस्त लग रहे हैं दादा, अच्छे लग रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए कपड़े हैं, स्वेटर हैं, जींस है बच्चों के लिए, वो उधर है, सबको दे देना है। सबको दे देना भैया, है सुबह भी ठंडी पड़ रही है तो बच्चों के काम में आ जाएंगे। और दादा मजा में? आज दादी कहाँ गए? दादी तो वहीं पे है। दादी वहीं पे है क्या? दादा बच्चों की खाली। अच्छा भैया, हमारे इधर आने से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फर्स्ट बार हम आए थे तो इनसे एड्रेस लिए थे, फिर सेकंड बार इनके घर पे गए थे दादा दादी के, तो ये सब उधर इनके दादा दादी के अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों के हालत हमने जब देखी थी, किसी के पास पेंट नहीं है, किसी के पास शर्ट नहीं है, ऐसे ठंडी में, यहाँ ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो ठंडी पड़ती है, तो ऐसे ही ये छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, तो हमारे पास जो भी थे तो इन बच्चों की हालत हमसे देखी नहीं गई, इसलिए हम इनके लिए कुछ कपड़े लेके आए हैं। हमसे जितना होगा उतना इन बच्चों के लिए, बूढ़े दादी दादाजी के लिए करेंगे। गलत कमेंट करने वालों आप करते रहना, हमसे जो बनेगा वो हम करते रहेंगे, हम अपना कर्म करेंगे, आप अपना कर्म करो। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर से भी किसी के पास जो भी कपड़े बनेंगे हम लेके आएंगे आपके। ठीक है ना, कपड़े वपड़े कोई। बहुत से लोग कमेंट करके बोलते हैं कि आप इनका वीडियो बनाते हो, नेकी करते हो, फिर इनका वीडियो पोस्ट नहीं करना चाहिए, वो कोई अच्छी बात नहीं होती। एक सवाल है मेरा आप सभी से, यदि हम बुरे वीडियो, तो आप सोशल मीडिया पर लगभग लगभग सब देखते हो, कितने बुरे वीडियो आते हैं, लड़ाई झगड़े के, अश्लील वीडियो, यदि हम अच्छे वीडियो पोस्ट नहीं करेंगे तो जो अच्छाई होती है वो लोगों के सामने आएगी कैसे? फिर तो सबके सामने बुराई बुराई आएगी, सिर्फ देखने को बुराई मिलेगी सोशल मीडिया के ऊपर। आपके सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, ऐसे कई एनजीओ है, ऐसी कई संस्थाएं हैं जो ये सब पुण्य का काम करती है, गरीब लोगों की मदद करती है, और उनके वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट ताकि भी लोग करती है। जागरूक हो सके। ठीक इसलिए अच्छे वीडियो पोस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। जय श्री राम, जय श्री है राम। श्याम।